एनपीएस के विरोध में और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विभिन्न विभागों से कर्मचारी और विभिन्न विभागों के कर्मचारी नेता इकट्ठे हुए, जिसमें नायब सिंह सैनी जी को राज्य मंत्री हरियाणा सरकार को ज्ञापन देना था, लेकिन वो हमारे बीच नहीं पहुंच सके। तो उनकी तरफ से, उनके कार्यालय से उनके नुमाइंदे ने हमारा ज्ञापन लिया है और जल्द ही इस ज्ञापन के द्वारा हम सरकार को चेताना चाहते हैं और इस छोटे से प्रदर्शन के द्वारा कि अगर जल्द ही पुरानी पेंशन को लागू नहीं किया गया तो पूरे हरियाणा में ये एक छोटी सी चिंगारी जो आज जली है, ये एक भीषण आग का रूप लेगी और पूरी हरियाणा सरकार को जलाकर राख कर देगी। इससे बेटर है कि जल्दी से जल्दी हरियाणा सरकार होश में आए और पुरानी पेंशन को लागू करे और कर्मचारी के हितों की रक्षा करे। गया था आज सीआईडी के माध्यम से भी उनको पता था, लेकिन आज नारायणगढ़ में होते हुए भी वो कुछ समय पहले ही कर्मचारियों की मांगों को सुनने की बजाय पीठ दिखाकर यहाँ से निकल गए। बताइए क्या 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 कहना चाहते हैं आप? जो कर्मचारी इतने इकट्ठे मंत्री जी को पहले पता था, विज्ञापन देने के लिए आए थे, फिर भी उन्होंने ढंग से ड्यूटी लगाई किसी की? जो ड्यूटी लगाई है, जो थे एक नुमाइंदे उनके, उन्होंने कर्मचारियों से मिसबिहेव किया, जिसकी सभी कर्मचारी मिलकर निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ये सत्ता का जो नशा है, ये कितने दिन तक कायम रहेगा? साल 6 महीने की बात है, कर्मचारी किसी के साथ भी लग जाएगा तो इनका तख्त पलटा करके रहेगा। आज मंत्री आपकी बात, आपने बात पहले रखी।